सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका तो आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग कौन सी कविता कहानी कविता पढ़े थे? घोड़े के बारे में पढ़े थे, घोड़ा हिंदुस्तानी पढ़े थे, वो अभी आपके पठन के लिए था। और ये पाठ भी आपका पठन हेतु है। तो अभी हम सब क्या पढ़ेंगे? कहानी पढ़ेंगे। और कहानी का क्या नाम है? पीपल और कद्दू। पीपल और कद्दू के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। किस प्रकार पीपल और कद्दू दोनों आपस में बात करते हैं और फलों की अदला बदली करते हैं, और फलों के अदला बदली करने के कारण दोनों की जान जाने वाली होती है। फिर वो क्या करते हैं जो दोनों की जान बच जाती है? तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे और आनंद भी उठाएंगे। तो आप सब अपनी किताब खोल लीजिए और उसको खोलिए और पाठ निकालिए पीपल और कद्दू। यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि ये पीपल का वृक्ष है। वृक्ष और पेड़ दोनों एक दूसरे का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। और ये जो है वो कद्दू है। कितना बड़ा बड़ा फल है, देख रहे हैं आप सब। इसकी जो तना शाखाएं जो है वो क्या है? पतली पतली। और फल कितने बड़े बड़े आप सब अपने घर के आसपास देखते हैं। जो लोग लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, फल लगाते हैं, तो वो सब पेड़ देखते होंगे। तो आप देखते होंगे कद्दू की जो शाखाएं होती है, तना होती है, वो पतली होती है, लेकिन कद्दू इतना बड़ा बड़ा फला हुआ रहता है। देखते हैं ना, मिट्टी पर या फिर घेरा बांस का बना रहता है उसपे। और पीपल का वृक्ष देखते उसमें इतने छोटे छोटे फल होते हैं। तो ये जो कद्दू है वो पीपल है, जो दोनों एक ही खेत में थे और दोनों की आपस में क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। तब दोनों आपस में दोस्ती हो गई थी तो क्या करते थे? साथ साथ रहते, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, करते थे। तो आप सब अपनी किताब को निकालिए और इस पाठ को भी निकालिए। तो देखिए इस कहानी को हम सब पढ़ते हैं। एक खेत के किनारे पीपल का ये विशाल वृक्ष था। खेत में कद्दू की बेले थे। बेले यानी कि शाखाएं, पतली शाखाएं थी जिनमें मोटे मोटे ढेरों ढेरे बहुत सारे कद्दू क्या थे? लगे हुए थे। पीपल और कद्दूओं में जान पहचान हो गई। एक दिन पीपल कौन? ये पेड़ बहुत उदास था। कद्दूओं ने जब पीपल को उदास देखा तो एक कद्दू ने पूछा कि पीपल भैया, आप उदास क्यों हो? कद्दू जो था वो पीपल से पूछा कि आप क्यों उदास हो? तो पीपल बोला, मैं इसलिए उदास हूं कि मैं इतना बड़ा विशाल हूं पर मेरे फल जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे खुद से घृणा, घृणा का अर्थ होता है नफरत, मुझे खुद से घृणा। आप अपनी कॉपी में इसको लिखते जाएंगे, मुझे अपने आप से घृणा यानी कि नफरत हो गई है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो। कौन कर रहा है? कद्दू कर रहा है पीपल से। बात तो तुम ठीक कर रहे हो भैया, हमें ही देख लो। कौन कर रहा है? कद्दू कर, हमें है देख। इतने मोटे और बड़े जबकि हमारी बेल बिल्कुल कमजोर है। बेले यानी कि पतली शाखाएं, पतली जो है तना। तो कद्दू बोल रहा है कि देखो मैं इतना बड़ा हूं लेकिन मेरे जो बेले है यानी कि तना है वो क्या एकदम पतला सा है, बिल्कुल कमजोर यानी कि बिल्कुल। हमें तो आप जैसे पेड़ों के फल होना चाहिए। कद्दू ने अपना दुख को प्रकट किया यानी कि बताया। किसको बताया? पीपल को बताया। पीपल बोला, काश तुम मेरी शाखाओं पर लटके होते और मेरे ये नन्हे नन्हे फल तुम्हारी बेलों पर। शाखाए का मतलब होता है कि पेड़ की जो मोटी टहनी होती है उसको हम कहते हैं शाखाए। तो पीपल बोल रहा है कि काश तुम जो हो बड़ा फल वो मेरी शाखाए पर होती और मेरे जो छोटे छोटे फल वो होते तुम्हारी बेलों पर होती। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। तब पीपल और कद्दू दोनों की बातचीत करते हुए महात्मा जी सुन लिए। वो पीपल से बोले, पीपल भैया, ईश्वर ने प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतुओं को
बहुत सोच समझकर बनाया है, इससे हम सबकी भलाई छिपी रहती। उसी रास्ते से महात्मा साधु बाबा जा रहे थे और ये दोनों जो बातचीत कर रहे, उसकी बातें को वो सुन लिए और वो बोले कि देखो पीपल और कद्दू, तुम अपने बारे में ऐसी बातें नहीं करो, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तुम्हारे ऊपर जो छोटे फल लगे हुए हैं और जो कद्दू नीचे बड़ा लगा है, इसके लिए यही अच्छा है कि तुम जहां हो वहीं रहो। से भगवान का कद्दू बोला, भलाई वलाई कुछ नहीं महाराज, यह तो ईश्वर का अन्याय है। पीपल बोल रहा है साधु जी की भलाई वलाई कुछ नहीं है, ईश्वर हम दोनों के साथ में क्या किया, अन्याय किया है। नहीं कद्दू भाई ऐसा मत बोलो, ईश्वर हम सबका जन्मदाता है, जन्म देने वाला। जन्मदाता मतलब जन्म देने वाला। महात्मा जी ने कद्दू से कहा। पीपल ने महात्मा जी की बातें सुनकर कहा, बातें बहुवचन है, कहा महाराज आप तो ईश्वर के उपासक है, उपास यानी कि भगवान की पूजा करने वाला, आप हमें ऐसा वरदान क्यों नहीं देते जिससे मेरी सखाओं में कद्दू लटक जाए और मेरे फल इन बेलों पर लग जाए। अब पीपल बोल रहा कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, आप हमको वरदान दीजिए कि हमारी जो फल है वो कद्दू में चली जाए और कद्दू का जो फल है वो मेरे में लग जाए। तो साधु बोलते हैं कि वरदान तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इससे क्या होगा, भगवान जो नियम बनाए हुए हैं वो हानिकारक हो सकता है। महात्मा जी ने कद्दू और पीपल को समझाया, लेकिन वो दोनों नहीं माने और बोले कि महात्मा जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप हमें वरदान दे ही दीजिए, मैं और कद्दू सदा आपके आभारी रहेंगे। पीपल ने प्रार्थना करते हुए कहा, पीपल प्रार्थना करते हुए महात्मा जी से कहा कि आप हम दोनों को वरदान दे ही दीजिए, इसके लिए हम दोनों आपके आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। महात्मा जी को दोनों पर दया आ गई और वो कमंडल से जल निकाले और मंत्र पढ़ करके, मंत्रोच्चारण यानी कि मंत्र पढ़ करके पीपल और कद्दू पर छिटक गए, छिट दिया। अब ऐसा ही हुआ, पीपल में जो था वो कद्दू लग गया और कद्दू जो था वो पीपल का जो फल था वो कद्दू की बेले में आकर के लग गई। पीपल और कद्दू बड़े खुश हुए, वाह बहुत अच्छा हुआ, मेरी पतली सखा में छोटे छोटे फल आ गए, और पीपल खुश हुआ कि मेरी मोटे सखाए में कद्दू आ गया, बड़े बड़े फल आ गए। और दोनों जी महात्मा जी को क्या किया, धन्यवाद दिया। महात्मा जी वहां से चले गए। अब दूसरे दिन की बात हुई कि दूसरे दिन जब किसान अपने खेत में आया तो जब वो देखता है कि कद्दू में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, तो उसको लगा कि ये कद्दू जो है वो क्या हो गया है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, कल तो आया तो ठीक ही था, आज फसल खराब कैसे हो गई। उसने सारी बेले उखाड़ दी और वो क्या किया, बेल को उखाड़ दिए। उधर पीपल के नीचे से भी जो भी गुजरता उस पर कद्दू जो था वो टूट करके गिर जाता, लोग घायल होने लगे और लोग जो था वो घायल होने लगे। एक दिन जो बड़ा कद्दू था वो बढ़ई के सिर पर आकर के गिर गया और बढ़ई का सिर फूट गया। अब जब बड़ा फल जो है वो ऊंचे पेड़ पर लगेंगे, उसको काटना तो मुश्किल हो जाएगा, तो वो कद्दू जो था वो टूट टूट करके गिर रहा था और गांव वाले के माथा पर सिर पे वो गिर रहा था, किसी का सर फूट रहा था, सब लोग आतंकित हो गए थे, भयभीत हो गए थे कि ये क्या हो गया, कद्दू पीपल पर इतना बड़ा फल कैसे लग गया। और एक दिन उसी रास्ते से बढ़ई जा रहा था, बढ़ई किसको कहते हैं, लकड़ी काटने वाला को, पेड़ काटने, उसके सर पर बड़ा सा कद्दू आ करके गिर गया और बढ़ई का सिर फूट गया। अब क्या हुआ, यह बात जाकर के बढ़ई गांव वालों को बताई। अब गांव वालों को लगा कि बाप रे बाप, पीपल पर तो क्या हो गया, भूत रहने लगा, अब इस पेड़ को काटना जरूरी है, समझ गए। तो गांव वाले सभी जो है वो पीपल को, पेड़ को भूत वाला पीपल समझ गए और उसको काटने का फैसला ले लिया। अगले दिन बढ़ई अपने कुछ साथियों के साथ आया और पीपल को काटने लगा। पीपल बेचारा बड़ा दुखी हुआ,
वो जो था वो कद्दू को भला बुरा कहा। कद्दू ने भी उससे कहा कि तुम्हारे ही कारण किसान ने मेरी हमारी बेले को उखाड़ दिए। दोनों आपस में लड़ने लगे। अब पीपल और कद्दू आपस में लड़ाई करने लगे। बोले कि तुम्हारे वजह से मेरी ये दशा हुई, मैं कटने जा रहा हूं। और कद्दू कह रहा था कि तुम्हारे वजह से मेरी ये दशा हुई कि लोग मेरे किसान मेरे बेलों को मेरी सखा तने को उखाड़ करके फेंक दिया। दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब उसी रास्ते से फिर वही महात्मा जी क्या कर रहे थे, जा रहे थे। दोनों चिल्लाने लगा, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। तब फिर महात्मा जी उस दोनों के पास गए। महात्मा जी बोले, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि प्रकृति के नियम के विपरीत कोई काम करोगे तो तुम्हें हानि होगी। अब दोनों कह रहे हैं कि मुझे पीपल बोल रहा है कि मुझे मेरे नन्हे फल लौटा दो महात्मा जी, वरना ये लोग मुझे काट डालेंगे। पीपल गिड़गिड़ाने लगा। कद्दू भी बोले, महाराज हमें भी क्षमा कर दीजिए, इस पर पीपल को बचा लीजिए। महात्मा जी ने अपनी शक्ति से फिर क्या किया, कमंडल से जल निकाला और पीपल के ऊपर छिड़क दिया और पीपल में क्या हो गया, छोटे छोटे फल ले गए। और जो कद्दू थे कद्दू पर भी छिड़क दिया और उसमें भी छोटे छोटे फल आ गए। कद्दू में बड़े फल आ गए और पीपल में छोटे फल लग गए। और कद्दू और पीपल दोनों खुश हो गए। और गांव वाले क्या किए, पीपल को नहीं काटे और नहीं कद्दू को बेलो खा फिर से लगा लिया कि कद्दू अब अच्छा हो गया है तो फिर उसको लगा लिया। तो बच्चों इस पाठ से आप कुछ सीखे, इस पाठ से आपको सीख मिली कि जो जहां है वही अच्छा है। दूसरे को देख करके ये नहीं करना चाहिए कि हमें वो करना चाहिए, हमें आपके लिए जो है वही आपके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ आपका आज का पाठ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।